हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेस में। आज आप पढ़ रहे हैं क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी पैटर्न बुक और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूनिट वन क्वेश्चन नंबर 12। प्रीवियस वीडियो पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ा चुका हूँ। अगर अभी तक आप वीडियोज नहीं पढ़ पाए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप सभी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। साथ में क्लास 6, 7, 8 और जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिलकर अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर पेट्रोल दिया गया है 260 रुपीज की है। जो 5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट हमें दी गई है, 5 लीटर पेट्रोल कॉस्ट इक्वल टू 260 रुपीज, ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं। यानी हमें 5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट हमें दी गई 260 रुपीज, और हमें क्या बतानी कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, यानी 1 लीटर की पेट्रोल की कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए यहां पर मैं आपको ट्रिक रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ाता हूं कि यहां पर 5 लीटर पेट्रोल दी गई, अगर हमें बहुत सारी वैल्यू दी जाए, यानी बहुत ज्यादा की वैल्यू दी जाए और 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्योंकि बहुत बच्चे प्रॉब्लम हो जाती है कि प्लस करें सर, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या करें। यहां मैं आपको ट्रिक रिलेटेड भी पढ़ा रहा हूं, इसको समझिए कि हमें बहुत सारी ज्यादा की वैल्यू दी है और 1 की वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 का डिवाइडेशन आप 260 में कर सकते हैं। 5 5 जो 25, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 2 में 2 माइनस करेंगे 0 एंड 0 और 5 2 जो 10। तो आंसर क्या आया, 52 रुपीज, यानी 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट क्या है, 52 रुपीज। तो इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भी बच्चों को अच्छे से क्वेश्चन मिल रहे हैं और उसमें क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट 7, 2, 9, 1 और 5। ये हमें डिजिट दी गई है, आपको क्या करना है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, यानी इन डिजिट्स का यूज करके आप इसमें क्या बताने हैं, स्मॉलेस्ट नंबर हमें राइट करने है। तो जब स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना हो तो स्मॉलेस्ट नंबर से ही राइट करना है। तो देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1, इसके बाद 2 नोट कर लेंगे, इसके बाद नंबर कौन ग्रेटेस्ट नंबर है, 5, इसके बाद 7 और इसके बाद 9, दैट इज आंसर। तो इस तरह आप स्मॉलेस्ट नंबर भी राइट कर सकते हैं, लेकिन जब हमें डिजिट दी जाए तो उनमें कॉमा लगाना होगा, लेकिन जब नंबर राइट करेंगे तो उसमें कॉमा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें कि आपको इस तरह नंबर राइट करना, स्मॉलेस्ट नंबर आप इस तरह राइट कर सकते हैं। जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर राइट करने के लिए कहा है तो ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ नोट करेंगे, यानी सबसे पहले 9, फिर 7, फिर 5, फिर 2 और फिर 1, इस तरह आप ग्रेटेस्ट नंबर भी राइट कर सकते थे। तो दैट इज आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं 4 डिजिट यूजिंग डिजिट आपको दी गई 4, 0, 1 और 5। इसमें ओनली 4 डिजिट दी गई हैं और हमें क्या बताना है, हमें इसमें आपको बताना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे कि देखिए इसमें जो भी डिजिट दी जाए सबसे पहले आपको 5 में लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4, फिर 1 और फिर 0। यानी जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर दिया जाए तो सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगी वो नोट करेंगे, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट। तो दैट इज आंसर। और इस पर भी ध्यान रखना है, बहुत बच्चे रॉन्ग करते हैं फिर एग्जामिनेशन में नंबर नहीं आ पाते, इसलिए इस पे क्वेश्चन पे जरूर ध्यान रखिए कि जब हमें डिजिट दी जाए तो आप उसमें कॉमा जरूर लगाएंगे, लेकिन जब नंबर नोट करेंगे तो उसमें कॉमा बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि नंबर नोट करने हैं, तो आप नंबर पे कॉमा नहीं लगाएंगे। तो दैट इज आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। आई होप ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए हैं बेटा तो अच्छे से आप वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, और बाकी जो भी क्वेश्चन आपके ड्रॉप हो गए नहीं पढ़ पाए तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए, और वीडियो पे नए हो अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलती रहे। ये महर्षि विद्या मंदिर की मैथ्स की बुक से हम पढ़ा रहे हैं, इसी तरह एक एक क्वेश्चन मैं प्रतिदिन पढ़ाता जाऊंगा, आपको इसी तरह की वीडियो अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे और आप अच्छे से मैथ्स सभी अच्छे से सीख सकें। साथ में इसकी पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से अपने रफली कॉपीज में क्वेश्चन लगा सकते हैं। आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।